नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे, अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और मीशो महा बचत सेल के बारे में और जानेंगे किस किस हमें चीज़ों में ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे का जो सेल है जो कि 27 सितंबर से चालू हो जाएगा। लगभग एक हफ्ते का सेल रहता है और इसमें आपको जो देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपको ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिले और इसी पे ज़्यादातर फोकस रहता है क्योंकि ये जो है ज़्यादातर लोग यही इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे रहेगा, रेफ्रिजरेटर हो गया, मिक्सर हो गया, किचन के जो आइटम होते हैं उन सब पे, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, लैपटॉप, मोबाइल, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होता है वो बहुत ज़्यादा बिकता है, इसीलिए उसके बाद फैशन में भी हमें ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और जो छोटे मोटे आइटम होते हैं उन सब चीज़ों में भी आपको ज़्यादातर डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। और इसके बाद हम बात करें अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की, तो उसमें भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर ज़्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिले और इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहता है सभी कंपनियों का क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज़्यादातर लोग खरीदते हैं। और अगर हम बात करें इसके बाद फैशन में, तो अमेज़ोन का भी फैशन में ज़्यादा फोकस रहता है और अमेज़ोन की जो दूसरी वेबसाइट है ग्लो रोड उस पर भी फैशन के मतलब ज़्यादातर जो है कपड़े ही बिकते हैं, तो उसमें भी फैशन के ही ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। और मीशो का तो पता ही आपको, वो मीशो महा बचत सेल में आपको ये जो मीशो जो है वो फैशन के ही मामले ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और मीशो में फैशन के ही आइटम ज़्यादातर बिकेंगे, सूट साड़ी ये सब चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बिकेगी और इसमें कॉस्मेटिक के भी आइटम देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे किचन का सामान है इन सब चीज़ों में भी आपको देखने को मिल जाएगा छूट। और अगर हम बात करें इसमें मोबाइल वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता क्योंकि मीशो जो है मोबाइल वगैरह की सेल अभी नहीं कर रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि महंगे मोबाइल बेचना चालू कर दे लेकिन अभी तो नहीं कर रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहता था कि 27 तारीख को मीशो का, फ्लिपकार्ट का, अमेज़ोन का सेल चालू होने वाला है। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर इसके बाद भी अगर आप छूट जाते हैं तो आने वाले इस एक महीने में दिवाली से पहले पहले बहुत सारी सेल आने वाली है, यहाँ तक कि अभी तक तो दिसंबर तक ही सेल चलता रहेगा। लेकिन जो है ये जो है 27 तारीख को जो सेल चालू है वो बहुत बड़ा सेल होता है, मतलब पूरे साल में एक बार ही ये सेल चालू होता है। तो आई होप सो गाइस कि अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।